नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं जुबैर खान की खास रिपोर्ट। कानपुर की एक संस्था जो अक्सर देहदान जैसे महादान कर अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए लोगों को नया जीवन देती आ रही है, जहां एक तरफ मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का कार्य किया जाता है, वहीं राष्ट्रहित को देखते हुए इस संस्था द्वारा एक अनूठा दान मोती झील कारगिल पार्क के बाहर किया गया। इस अनूठे दान में समाज से जुड़े अलग अलग विशिष्ट 25 लोगों ने देहदान की शपथ ली और महर्षि दधीची की परंपरा को नमन करते हुए उनके इस साहसपूर्ण कार्य को आगे बढ़ते हुए कार्य का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों का प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। अंग वस्त्र से हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। बहन छाया जी हमारे बीच में हैं, अंग वस्त्र और बैच के माध्यम से ये सम्मान का क्रम हम सभी शुरू करने जा रहे हैं। रोहित भाई देख नहीं रहा, कोई पहचान नहीं पाएगा। हमारे पिता तुल्य आदरणीय पंडित कैप्टन जगतवीर सिंह गौड़ जी भी विराजमान हैं। आज दसों दिशाओं पंच महाभूतों को साक्षी मानते हुए कानपुर महानगर की क्योंकि महापर्व पर अपने शपथ लेता हूँ। मैं मकर संक्रांति पर मेरे द्वारा आज युग दधीचि देहदान संस्थान के द्वारा मकर संक्रांति के महापर्व पर महादान की महाशपथ का आयोजन मोती झील प्रांगण में किया गया है। क्योंकि मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा रही है, इसलिए हम सब ने कानपुर वासियों ने एक अनूठा दान देने का निर्णय लिया है और आज यहां 25 से अधिक व्यक्ति अपनी देह का दान राष्ट्र के नाम करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। समाज को इससे एक संदेश जाता है कि दान केवल तिल का, लड्डू का या किसी अन्य सामान्य चीज़ का न करके अगर हम अपनी पूरी देह का दान कर देते हैं तो ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए और चिकित्सा के अध्ययन के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इसी बात को सामने रखते हुए युग दधीचि अभियान ने आज यहाँ महादान के महापर्व पर देहदान की महाशपथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें 50% से अधिक महिलाएँ भी भाग ले रही हैं, जो देश की आधी आबादी हैं और जिसके ऊपर देश का दायित्व तो है। युग दधीचि अभियान के माध्यम से अब तक पूरे प्रदेश में 3,000 से अधिक लोगों को संकल्पित किया जा चुका है और 233 मृत शरीर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों को दान कराए गए हैं। कोविड की महामारी के चलते कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम 58 शरीर नहीं ले पाए हैं, जिसका कि हमें आजीवन खेद रहेगा। समाज को इस अभियान और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों जिए मरे हैं तख्त ताज के लिए और देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें, यह भाव हमारे मन में जरूर आना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, यही भाव हम सबके मन में हो तो महादान का ये महापर्व सार्थक हो सकता है।